सिल पुलिस स्टेशन अंतर्गत पुलिस ने ऐसे 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने एटीएम चोरी की नई तकनीकी को अपनाया था। दरअसल यूपी के इस गैंग पर विविध राज्यों में ट्रे और स्क्रू ड्राइवर की मदद से एटीएम चोरी कर इस तकनीकी को अपनाया गया था। आपको बता दें कि इन तीनों ही आरोपियों ने 28 जगह इस वारदात को अंजाम दिया था। पकड़े जाने पर उन्होंने अपने आरोपी की कबूली दी है। तहसील पुलिस स्टेशन अंतर्गत पुलिस ने ऐसे 3 शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है जिन्होंने एटीएम चोरी की नई तकनीक को इख्तियार किया है। दरअसल यूपी के इस गैंग पर विविध राज्यों में ट्रे और स्क्रू ड्राइवर की मदद से एटीएम चोरी कर इस तकनीक को अपनाया गया था। आपको बता दें कि वे हर शनिवार और रविवार नागपुर में दस्तक देते थे और इन तीनों ही आरोपियों पर अलग अलग राज्यों में 28 से भी ज्यादा वारदात को अंजाम दिए जाने की जानकारी है। पंजाब नेशनल बँकेचं दारोडक चौक या ठिकाणचं एक एटीएम सेंटर आहे। त्या एटीएम सेंटरमधून 5,200 रुपये कोणतरी अज्ञात चोरट्यांनी एटीएममधून टेक्निकली फ्रॉड करून काढून पळून गेले होते। तशा प्रकारच्या दिलेल्या फिर्यादीवरून आम्ही 18/8/2022 रोजी CR नंबर 518/2022 कलम 380 बाधवी IPC अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला होता। आम्ही DB पथकाला दिलेल्या सूचनेनुसार आणि टेक्निकली केलेल्या तपासावरून परिसरातील सर्व CCTV फुटेज तपासले, त्यानंतर आरोपी येणं जाण्याचे ठिकाणं सर्व प्रकारची माहिती घेतल्यानंतर DB पथकाने केलेल्या कामगिरीवरून दिनांक 18/8/2022 रोजी 3 आरोपींना आम्ही ताब्यात घेतले आहे। ताब्यात घेतल्यानंतर आरोपींकडे केलेल्या चौकशीवरून त्यांनी स्वतःचा गुन्हा केल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आलेली आहे। असे सांगितले की ते यूट्यूबच्या मार्फतीने त्यांनी ATM-मधून पैसे कसे चोरी करायचे याचे त्यांनी प्रशिक्षण घेतलं, त्याची माहिती प्राप्त केल्यानंतर त्यांनी लोखंडी पत्र्याच्या आधारे अशा प्रकारचा रॉड बनवून तो रॉड आणि ती चिप ATM-च्या सेंटरमध्ये ज्या ठिकाणी पैसे विड्रॉल होतात अशा ठिकाणी ते चिप लावून जो कोणी व्यक्ती पैसे काढण्यासाठी ATM सेंटरमध्ये गेल्यानंतर लावलेल्या चिपमध्ये पूर्ण ट्रान्झॅक्शन झाल्यानंतर ज्यावेळी ATM-ची पिन टाकून पैसे विड्रॉ होतील ते पैसे बाहेर न येता त्या चिपमध्ये लावलेल्या चिपमध्ये अडकून बसत असत। सदरची व्यक्तीचं ट्रान्झॅक्शन सक्सेसफुल न होता ती व्यक्ती बाहेर निघून गेल्यानंतर ATM-च्या बाहेर हे थांबून राहून जेव्हा व्यक्ती बाहेर गेली तेव्हा सदरचे चोर आतमध्ये घुसून त्यांच्या चिपमध्ये सदरचे पैसे बाहेर येत होते आणि ते पैसे घेऊन ते पळून जात होते। आपको बता दें कि पकड़े जाने पर उन्होंने अपने सभी आरोपों की कबूली दी है। इस दौरान सभी लोगों से भी पुलिस ने अनुरोध किया है कि वे कृपया जब ATM में जाते हैं और जब वे अपना ट्रांजेक्शन करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रांजेक्शन फेल्ड बताता है, जबकि कई बार ट्रांजेक्शन फेल होने के बावजूद आपके पैसे आपको वापस नहीं मिलते। तो इसके 2 कारण होते हैं, एक तो आपको बैंक से मैसेज मिलता है और दूसरा ये कि आपके पैसे वहीं पर फंसे होते हैं जबकि हमें इस बात की जानकारी नहीं होती है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि कृपया जब तक आप पूरी तरीके से श्योर ना हो जाए तब तक आप ATM से ना निकले। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।